यहाँ पे आप जो दूसरा नॉब देख रहे हो इसको बोलते हैं थर्मोस्टैट, एंड अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख जाते हो तो आप अपने बिजली के बिल में हजारों हजार रुपए बचा सकते हो। बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है ये। अब इसको यूज़ कैसे करना मैं आपको सिखा देता हूँ। तो फाइनली सर्दियाँ आ चुकी हैं एंड आप में से मेजोरिटी लोग बजट में रहते हो, एक अच्छा सा रूम हीटर ढूंढ रहे होंगे ताकि आपके जेब पे फालतू का खर्चा ना बैठे, साथ में एक अच्छे ब्रांड का रूम हीटर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आज हमारे पास है सोलिमो ब्रांड का रूम हीटर जिसको आप अंडर 1000 रुपीज में बाय कर सकते हो। मुझे ये 999 रुपए का मिला, 1 रुपए बची उसकी मैंने की फुल पार्टी। तो आज हम लोग इसका देखेंगे अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा एंड क्या एक स्मार्ट तरीका होता है एक रूम हीटर को यूज करने का ताकि ये कंफर्ट की जगह जानलेवा ना हो जाए। पिछले साल आपने न्यूज में बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि कुछ फैमिलीज रूम हीटर की वजह से रात में सोई और सोई रह गई, तो ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ ना हो तो वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले, साथ में इसको कैसे स्मार्ट तरीके से आप यूज करोगे ताकि आपका बिजली का जो बिल है वो कम से कम है वो भी आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप में से बहुत ही कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मोस्टली लोग वीडियो देख के चले आते हैं, तो देखो अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये चैनल जो है वो रन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लीज चैनल पे पहली बार आओ, सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा सीमलेस रहता है। जैसे ही आप डब्बे को ओपन करोगे बॉक्स के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर पैकेज के अंदर में आपको एक रूम हीटर मिल जाता है ताकि ट्रांजेक्शन के दौरान में आपका रूम हीटर ब्रेक ना कर जाए, एंड एक आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल गाइड। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बचा के रखना एंड वक्त मिले तो थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूर, बिकॉज इसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ताकि आप कैसे इसको यूटिलाइज़ कर पाओ वो आपको सीखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ सब कुछ, बट आप अगर इसको रखोगे टाइम टाइम पर देखते रहोगे तो आपके ध्यान में रहेगा, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहेगा और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है समझ में तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके का रूम हीटर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो मेनली प्लास्टिक से बनाया गया है, प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाता है मेटल का ग्रिल एंड इसका एक पर्टिकुलर एंगल पे ये शिफ्टेड है, इसके आप एंगल को नहीं चेंज कर सकते हो। अभी एज अ प्रोटेक्शन लेयर के तौर पे भी काम करेगा ताकि चूहा अंदर घुस के इसके तारों को ना कुतर दे। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उससे आपको हर हालत में इसको दूर रखना है। होपफुली ज़्यादा बेटर होगा कि आप किसी डेस्क के ऊपर में या फिर किसी अलमारी के ऊपर में रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि बच्चे इसमें रीच ना कर पाए, बिकॉज उनको आदत रहती है वो सीख वगैरह डंडी लेके उंगली कर सकते हैं जिससे उनको बहुत तेज झटका लगेगा जो कि जानलेवा हो सकता है। तो बच्चों से हर हालत में इसको आपको दूर रखना है। इस रूम हीटर के दोनों साइड में आपको बहुत सारे होल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये करता क्या है कि इधर से ही ठंडी हवाओं को खींचता है, उसके बाद बीच में आपका कॉइल लगा हुआ है एंड यहाँ से फिर ये गर्म हवाओं को बाहर की तरफ फेंकता है ताकि आपका रूम धीरे धीरे गर्म हो पाए। तो गलती से भी आपको इसको चोक नहीं करना है, नहीं तो ये हवाओं को अच्छे से सक नहीं कर पाएगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन है तो बहुत जल्दी पिघल के आग लग सकता है, तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है इसके अलग अलग ओरिएंटेशंस को चेंज करने के लिए, तो आप अपने जरूरत के आपसे चेंज कर सकते हो। बेस काफी अच्छा स्टैंड आपको इसमें मिल जाता है, तो आप चाहो तो इसको आप आराम से इस तरीके से माउंट कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, आप देख सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा हिला रहा हूँ उसके बाद भी ये स्टेबिलिटी मेंटेन किए हुए। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी माउंट कर सकते हो डेस्क के ऊपर में आप रखना चाहो, तो जो फ्लो रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा फैल के आएगा, बट इसका ख्याल ये रखना कि आप कोई हार्ड सरफेस पे रखना, चाहे आप ज़मीन पे रख रहे हो या फिर आप कोई डेस्क पे रखना, ताकि एयर फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे। बेड पे रख दोगे तो वैसे कि इसमें नीचे वाला जो होल है वो चोक कर सकता है, जिसकी वजह से ये पूरा जो रूम हीटर है वो गर्म हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, तो उसके बाद पूरे घर की लंका लग जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी कपड़ों को सुखाने के लिए रूम हीटर का यूज़ मत करना, नहीं तो उससे भी आग लग सकता है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। कमरे को पूरा पैक करके जब आप कपड़े डाल दोगे सूखने के लिए इसको ऑन करके, तो उससे होगा क्या कि आपके कमरे में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये जब ऑपरेट होता रहेगा तो यही नमी वाले जो हवाएं हैं इसके अंदर में जाएंगी, उसके वजह से इसके अंदर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है जो कि आग लगने का कॉज बन सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा डेडली हो जाएगा आपके घर के लिए। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि पब्लिक से जाने अनजाने में हो जाता है इस टाइप के रूम हीटर को यूज़ करते वक्त, वो लोग जब भी कमरे में रूम हीटर को यूज़ करते हैं स्पेशली सोते वक्त, वो लोग कमरे को पूरा फुल पैक कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि आपका कमरा तो बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा बट आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो, वो है ऑक्सीजन। आप अगर कमरे को पूरा फुल पैक कर दोगे तो कोई भी ठंडी हवा नहीं आएगी, जिसके साथ ऑक्सीजन भी आता है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे कमरे को फुल पैक कर दोगे, खिड़की गेट सब कुछ अच्छे से बंद कर दोगे, तो होगा क्या कि रात भर में आपके कमरे में CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा भर जाएगा एंड रात में आप सोए सोए कब सोए रह जाओगे पता नहीं चलेगा। तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो भी ये चार पॉइंट मैंने बताया। इस रूम हीटर को आप तीन मोड में यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मोड में आप स्विच करते हो तो आपको ये फैन मोड मिल जाएगा, तो इसका जो कॉइल है अंदर में वो ऑफ रहेगा, बस इसका जो पंखा है वो चलता रहेगा, तो आपको ठंडी हवाएं यहाँ से मिलती रहेंगी। दूसरे मोड में आपको मिल जाता है 1000 वॉट, ये बिजली कंज्यूम करेगा एंड इसका हीटिंग कॉइल जो है वो ऑन हो जाएगा एंड उसी के हिसाब से फिर ये जो ब्लोअर है वो काम करने लगेगा, आपको गर्म हवाएं मिलेंगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ठंड है तो वैसे कि इसमें आप इसको फुल लोड कर सकते हो, ये जो दो डॉट है
तब ये 2000 वॉट बिजली कंज्यूम करेगा एंड उसी के हिसाब से फिर ये आपको आपके कमरे को गर्म करेगा। अब ये जो रूम हीटर है काफी ज्यादा साइलेंटली ऑपरेट करता है, तो कुछ लोगों के घर काफी ज्यादा बड़े होते हैं तो वो लोग काम में बिजी रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि उनका रूम हीटर ऑन है या फिर ऑफ है। तो वैसे कि इसमें आपका काफी मोटा तगड़ा बिजली का बिल का फटका लग सकता है, तो उससे बचाने के लिए आपको यहाँ पे काफी बड़ा सा एक LED इंडिकेटर दिया गया जो कि आपका स्टेटस बताया कि आपका रूम हीटर अभी ऑन है या फिर ऑफ है। दूसरी चीज, ये जो केबल आप देख रहे हो ये 1 मीटर लंबा आपको तार मिल जाता है, तो आपको आराम से एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है। आप स्विच बोर्ड में इसको कनेक्ट कर दो एंड बार बार आपको वहां से स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने का जरूरत ना पड़े, आप यहीं से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। एंड ये जो LED इंडिकेटर है वो इसका स्टेटस बताता रहेगा, तो आपको बिजली का बिल भी काफी ज्यादा कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे आप जो दूसरा नॉब देख रहे हो इसको बोलते हैं थर्मोस्टैट, एंड अगर आप इसको सही तरीके से यूज करना सीख जाते हो तो आप अपने बिजली के बिल में हजार रुपए बचा सकते हो। बहुत ज्यादा कमाल की चीज है ये। अब इसको यूज कैसे करना मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, अपने रूम हीटर को टर्न ऑन करके इसको एकदम मैक्सिमम लोड पर सेट कर देना है। ये 2000 वाट पे अभी मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद ये जो व्हील अभी आपका है इसको भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसी तरीके से आपको भी इसको फुल इधर घुमा के रख देना है। उसके बाद आपको अपने कमरे को गर्म होने के लिए छोड़ देना है, बेस्ड ऑन कि आप अभी कहाँ पर रहते हो, कहाँ आपके यहाँ ठंड कितनी पड़ती है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कितना टाइम लगता है आपके रूम को गर्म होने में, उसके हिसाब से आप इसको छोड़ देना। जब आपको लगे कि हाँ अभी ये जो टेम्परेचर है मेरे कमरे का वो एकदम कम्फर्टेबल हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हल्का से इस तरीके से आपको रोटेट करना है। उसके बाद हल्का सा एक कट का साउंड आएगा, तो ये आपने आवाज सुनी। तो अभी आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना, आपका जो सेटअप है वो पूरा रेडी हो चुका है, अभी आपको सिर्फ इसको लगा के वैसे ही छोड़ देना। अब होगा क्या कि जब भी आपका रूम हीटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचेगा उसके बाद इसका जो ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका टेम्परेचर वापस से ड्रॉप होने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये ऑटो कट का फीचर आपको इसके अंदर में इनेबल हो गया। अभी 1 मीटर लंबा आपको केबल मिल जाता है, तो एक्सेसिबिलिटी आपके स्विच बोर्ड से बहुत ही अच्छा निकल के आता है, ताकि आप बच्चों से इसको दूर रख पाओ। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे आपको 16 एम्पीयर का 3 पिन कनेक्टर मिल जाता है जो कि ISI मार्क का है, तो आपको रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों ही आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। ये आपके नॉर्मल सॉकेट में नहीं लगेगा, आपके घर में जो सबसे बड़ा वाला सॉकेट रहता है उसी के अंदर में ये जाने वाला है। एंड ये बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो अगर आप लगातार 7-8 घंटे इसको यूज़ करते हो तो वैसे केस में ये आपको आपका कभी टिपर वगैरह ऑन हो सकता है, या फिर आप अगर बहुत पुराना स्टाइल का घर में वायरिंग का काम है तो वो आपका फ्यूज़ जो है वो कभी कभी बर्न कर जाता है, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वापस से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसमें वो फ्यूज़ लगवा देना, हो जाएगा आपका काम, आप वापस से यूज़ करना शुरू कर सकते हो। तो अब हम लोग इस मशीन को प्रॉपर टर्न ऑन करके टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये जो मशीन है वो कितना ज़्यादा नॉइज़ करता है और आधे घंटे में मेरे कमरे को कितना ज़्यादा गर्म कर देगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। रीडिंग्स को प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए मैं प्रॉपर मशीन यूज़ कर रहा हूँ। ये 1 साल पहले मैंने परचेज़ किया था जब मैंने बाकी के रूम हीटर्स का रिव्यू किया था, एंड बहुत ज़्यादा प्यारा मशीन है। 1 साल में अभी तक इसका जो बैटरी है वो ख़त्म नहीं, तो डेफिनेटली अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइस देखो, अपना जो सेटअप है वो पूरा रेडी हो चुका है। इसका जो डायरेक्शन है वो मैंने पीछे दीवारों की तरफ रखा हुआ है, ताकि कोई भी डायरेक्ट हवा गर्म डायरेक्टली इसके ऊपर में ना आए, तो अपने को प्रॉपर एक अच्छा रीडिंग मिल जाएगा कि अपने को आधे घंटे में ये जो रूम हीटर है वो कितना गर्म कर देता है। यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर अभी फिलहाल देख सकते हो, मेरे कमरे का 25.6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। एंड अपने पास है एक स्टॉप क्लॉक, तो हम लोग आधे घंटे इस टेस्ट को रन करने वाले हैं, तो फटाफट से हम लोग टेस्ट को शुरू कर लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा नॉइज़ भी सुना देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाए कि ये जब ऑपरेट करता है तो कितना ज़्यादा नॉइज़ करता है। तो मुझे आधा घंटा हो गया इस रूम हीटर को टेस्ट करते हुए, एंड 2-3 मिनट हो गया मुझे इसको बंद किए हुए। अभी मैं इसको टच अगर कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी गर्म नहीं फील हो रहा, आप देख सकते हो कि मैंने पूरा हाथ यहाँ पे रख दिया है, तो फिन बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है, टेम्परेचर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अभी इसका टेम्परेचर आप देख सकते हो काफ़ी नॉर्मल होने लगा है, अभी 29.3 डिग्री पहुंच गया है। हमने स्टार्टिंग किया था 25.7 डिग्री के आसपास कुछ था, तो अच्छा खासा टेम्परेचर में जंप हो गया सिर्फ आधे घंटे के अंदर में। अब ये देख लो बंद ही पड़ा हुआ है, तो आप समझ लो कि आप आराम से इसको 1 घंटे यूज़ करोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने उषा क्रॉम्पटन एंड बजाज के भी रूम हीटर्स का रिव्यू डाल के रखा हुआ चैनल पे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके वो वाली वीडियोज़ भी देख लेना। अभी आई कार्ड में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहाँ पे बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हो। इसका बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में एकदम टॉप में मिल जाएगा। अगर आपको बजट बहुत टाइट है, स्टिल आप एक अच्छे क्वालिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। बाकी चैनल पे नहीं आए हो मालूम है क्या करना, सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय एंड पीस।